Hey guys, welcome back to Crew Blog. I'm here at Secretariat और अभी हमको सब खिड़की से देख के पागली लग रहा होगा. तो हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए एंड आई वॉज लाइक क्वाइट नर्वस क्योंकि फर्स्ट टाइम था. एंड ऑल्सो यहाँ पे हम इतना ज़्यादा गाड़ी दिखे लाइक ऑलमोस्ट पूरा कैपिटल का पूरा गाड़ी ये लग रहा था. एंड ऑल्सो बाहर नीचे से देख रहे यहाँ बस दो बिल्डिंग दो ब्लॉक दिखाई देता पर अंदर इतना बड़ा है इतना सारा सिक्योरिटी. तो अच्छा लगा जान के कि सेक्रेटेरिएट में इतना ज़्यादा सिक्योरिटी है एंड बहुत ज़्यादा साफ सुथरा एंड सुंदर है. ओह माय गॉड फिदा हो गया इसको देख के. तो यहाँ से शुरू होता है सिविल सेक्रेटेरिएट ईटानगर. हेलो गाइस, आप सभी को पता होगा सिविल सेक्रेटेरिएट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफिस है. आप लोगों ने अगर मेरी तरह सिविल सेक्रेटेरिएट अभी तक नहीं देखा तो मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में आपको पूरा सेक्रेटेरिएट दिखाने का. यहाँ चार बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं जिनको ब्लॉक्स में डिवाइड किया है. ब्लॉक वन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है. ब्लॉक टू हमारे यहाँ के जितने भी मिनिस्टर्स हैं एंड चीफ मिनिस्टर उनका ऑफिस है. ब्लॉक थ्री इंजीनियर्स आईटी एंड एलआईसी को बिलोंग करते हैं. ब्लॉक फोर यहाँ एसबीआई बैंक एटीएम पोस्ट ऑफिस रेस्टोर एंड एक स्कूल यहाँ के स्टाफ के बच्चों के लिए. सबसे पहले मैं जाऊँगी ब्लॉक वन, वहाँ मुझे कुछ काम है. उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी जेन गार्डन एंड मिनी मॉल्स. एंटर करते ही आप और आपका बैग अलग से जाएगा, आई मीन चेकिंग होता है. उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है ये हमको स्ट्रेंजर करके कॉल कर रहा था. डिटेक्ट स्ट्रेंजर करके आतंकवादी जैसा फील करा रहा था. यहाँ से जेन गार्डन नहीं जाते, इसके बाद हम आपको डायरेक्ट से जेन गार्डन का वीडियो दिखाएगा. सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये ब्लॉक वन का वीडियो है. यहाँ पे लिखा है डू नॉट टच. ओके प्लीज डू नॉट टच. ओके तो यहाँ पे जितना भी अरुणाचल प्रदेश में ट्राइब्स है उनका स्टैचू है. और ये इतना रियल लग रहा है. सी सो ब्यूटीफुल. हम जाओ लेगा ये मुंबई है द सेल दोपिन एंड दिस वन इज गालो आई थिंक. बस हमको ये गाले से पता चला जैसे कॉलेज से. एंड दिस इज गालो मैन हेड से पता चला. एंड ये निशी ये भी हेड से मालूम चला. और फॉर श्योर और पता नहीं क्योंकि नोज से पता चल रहा है. डोंट नो जैसे हम लोग का इंडियन डाइवर्ट है वैसे अरुणाचल प्रदेश भी डाइवर्ट स्टेट है. यहाँ में बहुत सारा ट्राइब्स है एंड We really love each other. Zen Garden Japanese technique से बना हुआ एक गार्डन है जिसका बजट if I am not wrong 15 करोड़ था सुनने में आया. और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक पीसफुल बहुत ही ज़्यादा calm गार्डन है.
यहाँ वाटर जो एक ही जगह रोटेशन होते हैं, लाइक पानी को वेस्ट नहीं किया है, एक ही जगह ये लोग सब रोटेट होके रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से फिर उस जगह, ऐसे करके ऐसे सुनने में आया। एंड आई डोंट नो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेगा, बट आई होप आप समझ गया। Beautiful. Oh my god. Itna garam. Okay, let's try this one. दिन में हमको पता नहीं था कि ये पानी को यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, हमको लग रहा था कि हम डूब जाएगा, तो हम ट्राई नहीं किया था। शाम होते होते पता चल गया था कि इसको आराम से क्रॉस कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछली था। शायद इसको हम 500 टाइम क्रॉस किया होगा, एक बार क्रॉस कर लिया, बार 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 बार, इतना मज़ा लग रहा था। सो आई एम अलोन हियर, आई मीन वहाँ पे दो लड़की भी है लेकिन मेरे साथ कोई नहीं आया, तो आई एम गोइंग टू ट्राई, आई एम गोइंग टू मेक अ रील यहाँ पे रख के मोबाइल को। देन आई रियलाइज कि खिड़की लोग से दिखाई देगा एंड हम पागल लग रहा होगा और हमको नींद नहीं बनने, तो मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। सो आई एम गोना सिट हियर फॉर अ वाइल, बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब कितना समय से यहाँ पे सेक्रेटरी थे और कभी देखा नहीं, फिर सोचा भी नहीं था कि कभी एक सेक्रेटरी ऑफिस में क्या करने देगा सोच रहा था, बट बाद में पता चला कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एंड एज इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना बड़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आ सकते हैं, बस आपको एंट्री लिखना है एंड वहाँ से डायरेक्ट आ गए हम। तो या दैट्स इट, एंड माय नेल्स आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो प्रीटी, आई मीन ठीक है। This is a colony. यहाँ पे भी सेम लाइक ये कॉलोनी, एक सुंदर सा टाउन प्लानिंग वाला, हमको सब पागल है लग रहा है। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू विजिट दिस अरुणाचल फ्रेश, वीडियो अलाउड करेगा कि नहीं। सर सर वीडियोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। ये सब लोकल प्रोडक्ट लग रहा ना, अरे सिरुती हाँ वही येलो पेस्ट के लिए लग रहा है। अरे ये वाइन जो अरुणाचल का भी जान रहा हूँ, यहाँ पे लोकल राइस भी है एंड मसालास। आई डोंट नो कि यहाँ भी मतलब मिलता है। वाओ सो यहाँ पे है पूरा अचार, एक बार प्राइस चेक करते हैं, 200 रुपीस। आई डोंट नो ठीक है ना, नहीं है इसका देखते हैं, 120 में मिल रही है वाला, एंड दिस वन इज 200, दोनों तो सेम ही होगा, आई गो फॉर दिस वन।
सोयाबीन क्या लग रहा है, पीहा पिकल्स तो ना बाबा ना 200 ठीक है तो यार हम कुछ लेने का दिखाई नहीं दे रहा है मैं प्राइस लोग हमको अच्छा ही लगा क्योंकि लोकल प्रोडक्ट होने से भी ये सब कंटेनर भी इतना दाम होता है, देनिए चिपकाना पैकेजिंग करना। QR कोड है और ये सब मिलता है, ये नहीं है अभी शायद। हाँ उसका पैकेजिंग इतना मज़ा लगा हमको, दिस वन इज परफेक्ट। और चाय का नाम भी तो परफेक्ट थी, ये कैसे खोल गया, ओह माय गॉड इतना मज़ा। हम सर ये खोल गया था, प्लीज देख सकते हैं। दिस इज 14 ऑर्गेनिक ग्रीन टी हैंडमेड एंड दिस वन इज 1500। क्या है इसमें, सो आई रियली लाइक दिस वन टू। इसका पैकेजिंग भी इतना सुंदर है, प्राइस 1600 आई थिंक, इससे तो बेटर है। इतना दिन बाद त्रिबिन त्रिबिन। तो गाइस इट्स टाइम फॉर कॉफी ब्रेक, फिर हम सोच रहे कि एक ग्रीन टी ले लेगा, तो ग्रीन टी हमको फ्लेवर में चाहिए, आई मीन कुछ तो फ्लेवर होना है, अदरवाइज ना होगा। जैसे कि इफ यू आर इनटू माय चैनल और आप मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखते हो, आई एम रियली इनटू कुकिंग, सकते हैं तो मतलब जब हम कुछ बाहर से देखते हैं तो हमको खरीदने से ज़्यादा हम ट्राई करने बनाते खुद बना के। ग्रीन टी चाहिए था, बट ग्रीन टी जो हमको पसंद है बस वेरी एक्सपेंसिव, लाइक 1500 1600। सो आई गो फॉर नथिंग। मैं चलते ही हूँ अभी, मेरा घर का 70% पॉपुलेशन को पानी और धूप से एलर्जी है, तो इस समय तक हमको धूप से इतना ज़्यादा एलर्जी हो गया था, वो मेरा पूरा शक्ल में स्टार्ट हो गया था। तो हम सोचा कि थोड़ा वापस जाते हैं, जाके थोड़ा नहा वहा लिया, उसके बाद हम फिर से वापस आए क्योंकि हमने पूरा जगह को नहीं दिखाया था और हमको शाम का व्यू देखना था, तो हम फिर वापस आए। You love Goa? I love Goa. I love you. अभी हम लोग वापस जा रहे थे, सेक्रेट की पास आ गया था, मेरे पर एलर्जी हो रहा था इसके लिए। ब्लॉक 4, यहाँ पे रेस्ट्रो है, बैंक है, एटीएम है, एवरीथिंग। और यहाँ स्कूल जो भी यहाँ पे जॉब करते हैं उन लोगों का बच्चा के लिए। हेलो, ये ब्लॉक पॉल में एक रेस्टो है जहाँ अभी हम लोग खा रहे हैं मोमो, इतना मज़ा लग रहा है। ये पत्थर है, कोई इतनी नहीं है एक्चुअली, ऐसा 4 ब्लॉक है, मेरा बात इतना अंदर। ये है ब्लॉक 3, 2, 4 और 1 जो सबसे पीछे में। yeah.
पूरा दिन सेक्रेटरीट में रहने के बाद हमको ऐसा फील हुआ कि एक छोटा सा टाउन है विद बेटर टाउन प्लानिंग विद फैसिलिटीज एवरीथिंग, हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट, कीप वॉचिंग कुबा।